ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अलाइड एंगल्स का मतलब क्या है बेसिकली? जैसे हमने अब एक यहाँ पर लिखा था साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस साइन थीटा, तो ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए सबसे यहाँ पर पहले क्या है, कुछ नोट लिख लो। जैसे फर्स्ट नोट यहाँ पर ये है कि देखो चेंज किस में होता है, हमेशा ऐसे चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा या कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा। चेंज कैसे होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस अभी इतना देखो कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा। ठीक है, सेक थीटा जो है वो किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, और कोसेक थीटा किस में बदल सकता है, सेक थीटा में बदल सकता है। ठीक है, टेन थीटा किस में बदलेगा, कॉट में बदल जाएगा, या कॉट थीटा किस में बदल जाएगा, टेन थीटा बदल जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गया कि बदलने वाला किस में है और बदल कब रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड नोट। सेकेंड नोट हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, तुम इस तरह से देखो, समझो लेट्स से मैंने यहाँ पर साइन लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे लिखा है एन पाई प्लस माइनस थीटा, अगर यहाँ पर एन पाई लिखा है कहाँ पर, यहाँ पर अगर एन पाई है, एन पाई मतलब पाई हो जाए, टू पाई हो जाए, थ्री पाई हो जाए, फोर पाई हो जाए, ठीक है, या माइनस पाई हो जाए, माइनस टू पाई हो जाए, तो यहाँ पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इस तरह से ये साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आना है या माइनस आना है वो डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस अब तुम लिखते जाओ इसको कि समझो अगर यहाँ पर साइन लिखा है, एन पाई लिखा है, एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस जो आना है इधर, वो कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पर्टिकुलर एंगल लिखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इफ एन पाई इज गिवन देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, सब समझ में आ जाएगा जब हम इसके एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मैंने अगर यहाँ पर बोल दिया कि चलो यहाँ पर साइन ले लिया, अच्छा को ऐसा कोई जरूरी नहीं है साइन है तो साइन ही के लिए होगा, सबके लिए है, मतलब सेकंड वाले में अगर ये बोल रहा हूँ कि समझो टेन होता, टेन ऐसा होता, टेन एन पाई प्लस माइनस थीटा होता, तो क्या होता, टेन का टेन ही बन जाएगा, प्लस आना है या माइनस आना है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तो हम बस क्या कर रहे हैं, साइन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एन पाई की जगह समझो ऐसा लिखा हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लिखा हो, प्लस माइनस थीटा होगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस आना है माइनस आना है वो डिपेंड करेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, मतलब इतना याद रख लो कि अगर एन पाई है तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेम रहेगा, और अगर यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जैसे पाई बाई टू खुद हो गया 3 पाई बाई टू, ठीक है, 5 पाई बाई टू, माइनस 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 99 पाई बाई टू, 37 पाई बाई टू, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लिया, इफ 2n प्लस 1 पाई बाई टू इज गिवन देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। सही है, अब देखो कैसे हो रहा है, ये एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन थीटा के लिए लिख लिया इधर। ठीक है, ये तो चलो क्या हो गया, हमने नोट लिख लिया, अब देखो साइन के लिए कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया। ठीक है, और लिख लेते हैं, चलो साइन 90 प्लस थीटा लिख लिया, साइन 180 माइनस थीटा लिख लिया, साइन 180 प्लस थीटा लिख लिया, साइन यहाँ पर लिख लिया 270 माइनस थीटा, दिस इज साइन 270 प्लस थीटा हो गया। यहाँ पर चलो और लिख लेते हैं 360 माइनस थीटा, और एक और लास्ट लिख लिया साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब भी यहाँ पर एन पाई होगा तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रह जाएगा, और जब भी यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, 90 हो गया, 270 हो गया, ठीक है, इस तरह से जो एंगल है, और पाई का मतलब क्या, जैसे 180 हो गया, 360 हो गया। ठीक है, तो तुम इसको यहाँ पर ये चीज़ देखते जाओ कि पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 90 लिखा है। ठीक है, कहाँ देखना है तुम्हें, यहाँ देखो, ये अगर 90 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, ओके,
अभी हम लोग प्लस और माइनस में तुम्हें बताऊंगा, एक एक करके पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 90 लिखा है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है प्लस थीटा लिखा हो माइनस थीटा लिखा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम किस पे फोकस करोगे, 90 लिखा है ये तो ठीक है। अगर यहाँ पर ये 180 लिखा है, मतलब 180 तो क्या होता है, पाई होता है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर 180 प्लस थीटा लिखा है, 180 देखा तो फिर से यहाँ पर कितना हो गया, साइन थीटा आ गया ये, ओके। फिर यहाँ पर मैंने 270 देखा, तो 270 बेसिकली कितना होता है, तुम क्या कर लिया करो, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करो, तो बहुत इजीली दिख जाएगा, ठीक है। जैसे 270 कितना होता है, 3π/2, तो 3π/2 है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा लिख लिया। फिर से यहाँ पर 270 दिख रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर बाद में क्या दिख रहा है, 360 दिखा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। फिर ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर क्या है, अब तुम देखो इस तरह से देखो कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 90 तो ये हो गया, माइनस थीटा करोगे इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ठीक है, किसके लिए हमें साइन देखना है, इसके लिए देखना है जो इनिशियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, ये नहीं कि जो तुमने आंसर निकाल दिया और फिर तुम इसके लिए देख रहे हो, मतलब तुम कॉस थीटा के लिए थोड़ी ना देखोगे, तुम किसके लिए देखोगे, जो इनिशियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव। वैसे भी हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट लिख दिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ साइन क्या होता है, प्लस होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा हो गया। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से देख लो 180 माइनस थीटा इसका मतलब क्या हो गया, 180 तो पूरा ये हो जाएगा, माइनस थीटा हो गया, इसका मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। और 180 की वजह से यहाँ पर क्या था, साइन थीटा तो आना ही था। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुम देख लो यहाँ पर कितना हो गया, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसका मतलब कहाँ पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ रहा है समझ में, साइन किसके लिए देखना है, जो इनिशियली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 270 माइनस थीटा, इसका मतलब अगेन ये किस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 के लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। 270 प्लस थीटा इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तुम ये नहीं करोगे कि तुमने कॉस थीटा लिख दिया फिर देखा अरे 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख दिया। नहीं, जो आंसर आ रहा है उसके लिए थोड़ा लिखोगे, जो इनिशियली गिवन था उसके लिए लिखोगे ना, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख लो साइन 360 माइनस थीटा भी कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया था। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर 360 प्लस थीटा तो अगेन यहाँ पर कौन सा हो गया, पूरा घूमने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं, मतलब एन पाई है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगे, एंगल देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से देखो इनिशियल फंक्शन जो है उस क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तुमने लिख दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं, चलो मैंने क्या किया, चलो इसको रब कर दिया, इस पर और बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बना दिया इसको, ऐसे लिख दिया, चलो कॉस थीटा के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मैंने ले लिया, कॉस 90 माइनस थीटा, ये बताना है मुझे, ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइन 360 प्लस थीटा तक ही गए, जा तो तुम 1,00,000 एंगल तक भी जा सकते हो, कितना भी कहाँ तक भी जा सकते हो, बस तुम चेक कर लो कि वाला जो एंगल आएगा वो एन पाई बन रहा है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई पूछता है कि सर ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये चीज़, तो ये सब कुछ कंपाउंड एंगल से आ रहा है। कंपाउंड एंगल से कैसे आ रहा है, मतलब समझो मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए साइन 180 माइनस थीटा, तो तुम ओपन कर दो उसको, जब तुम उसको ओपन करोगे तो अपने आप यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। पर कितने बार ओपन करोगे, हर बार थोड़ी ना ओपन करोगे। तो इसको हमने क्या किया, जनरलाइज करके इसको हमने एक रिजल्ट बना दिया, जिसको हमने क्या बोला, रट लो। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, ऐसे लिख लिया, कॉस 180
प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लिया, कॉस ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, पहले वाला माइनस होगा ना, तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ही है। यहाँ पर क्या लिख लिया, कॉस 270 माइनस थीटा, इसको लिख लिया कॉस 270 प्लस थीटा। फिर यहाँ पर लिख लिया कॉस 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस 360 प्लस थीटा, फाइन। अब इस सबको हमें बताना है, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, तुम एंगल देखो 90 है तो मतलब साइन थीटा होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा आ गया। अब एंगल बताओ, एंगल 90 माइनस थीटा, तुम खुद बताओ 90 माइनस थीटा कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कुछ कम फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना आ गया, पॉजिटिव। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया, फिर से तुम्हें 90 दिखा, तो फिर तुमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया, कॉस का तुमने साइन थीटा लिख दिया। फिर 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस, राइट, कॉस देखना है हमें, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस साइन थीटा हो गया, ये सही है। फिर इसके बाद क्या किया, 180 दिखा, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा ही रहेगा, 180 माइनस थीटा अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। 180 प्लस थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा, और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कौन से कॉस की बात कर रहे हैं, इस कॉस की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, सही है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, 270 लिखा है, तो 270 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। 270 माइनस थीटा अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर 270 लिखा है फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तुम साइन के लिए नहीं बोलोगे कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा लिया, नहीं, कॉस के लिए बोलोगे, ठीक है। फिर 360 माइनस थीटा, इसका मतलब ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, और 360 माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये कितना हो गया, प्लस ही रह गया, ये आ रहा है समझ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 360 प्लस थीटा, तो अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साइन और कॉस के लिए लिखा, वैसे आगे भी लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किसके लिए लिख लिया, लेट्स से, चलो इसके लिए लिख लिया, टेन के लिए लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन ऐसे बना लेते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोल दिया 10 180 प्लस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 270 आएगा, राइट, 270 माइनस थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 270 प्लस थीटा, और लिख लेते हैं 10 360 माइनस थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 360 प्लस थीटा, ठीक है। इसके लिए हमें लिखना है, तो चलो इसके लिए लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले देखो, टेन क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 का मतलब क्या हो गया, चेंज होगा, तो टेन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा तो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और टेन क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनफैक्ट इस चीज़ को तुम हमेशा याद कर लो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, cot माइनस cot 90 माइनस थीटा इज विल बी tan थीटा, वैसे sec और cosec के लिए हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 90 अगेन लिखा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, cot थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा के कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कितना होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। आर एस एन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 180 लिखा है, तो 180 का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, 180 माइनस थीटा अगेन यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया इधर। इसको भी कैसे प्रूफ करोगे, तुम क्या करो, 10 में ओपन करके देख लो, सब कुछ प्रूफ हो जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा, 180 प्लस थीटा, तो 180 के कारण यहाँ पर क्या हुआ, 10 थीटा ही रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव किसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग, जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जो इनिशियली लिखा हुआ है, राइट। फिर यहाँ पर क्या किया, 10 270 है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, अगेन थर्ड में आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, सही है। फिर 270 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, पर 270
प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो गया ये। अरे ऐसा हमने क्या कर रहे हैं, ठीक है फिर 360 माइनस थीटा, तो 360 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, और 360 माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है वैसे ही लास्ट वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो टेन थीटा हो जाएगा अगेन 360 की वजह से, और 360 प्लस थीटा तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। एक और बनाते हैं, किसके लिए बना दिया, चलो sec के लिए बना दिया, ठीक है sec 90 माइनस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, ठीक है लिखते जाओ मेरे साथ, sec 180 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा sec 180 प्लस थीटा, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा sec 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sec 270 प्लस थीटा, यहाँ से लिख लिया sec 360 राइट, 360 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा sec 360 प्लस थीटा। ठीक है ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो इसके लिए करते हैं, तो sec किस में बदलता है, cosec में बदलता है अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो तो। तो पहला वाला देख लो, 90 माइनस थीटा है, 90 लिखा है, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, cosec में कन्वर्ट हो गया, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है फिर से यहाँ पर क्या आ गया, 90 प्लस थीटा हो गया, तो 90 आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया। अब मुझे बताओ 90 प्लस थीटा में sec क्या होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, यहाँ पर sec यहाँ पर नेगेटिव होता है, मतलब sec के लिए तुम बेसिकली cos का साइन देख लो, sec और cos बेसिकली क्या है, भाई है, भाई तो है यहाँ पर। ठीक है तो तुम उसके लिए यहाँ पर क्या करो, उसके लिए देख लो साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे ये तो नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 180 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, sec थीटा ही रह जाएगा, और अगर 180 माइनस थीटा है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव, सही है। फिर 180 प्लस लिखा है, तो 180 की वजह से तो sec थीटा लिख दिया, 180 प्लस थीटा, ठीक है कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर sec क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पर 270 फिर से आ गया, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्या किया, चेंज कर दिया, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। sec क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है फिर से 270 दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, और अब 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना हो गया, पॉजिटिव आ गया। आ रहा है समझ में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है फिर लास्ट वाला भी यहाँ पर लिख लेते, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि 360 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है और लास्ट वाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, sec थीटा ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 से यहाँ पर sec थीटा आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब तो ये पॉजिटिव होना ही चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर हमने क्या किया। ठीक है अब इस पर क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे इसकी वैल्यूज निकालना है। ठीक है और समझो अगर यहाँ पर कोई डिग्री में दिया होगा, तो तुम क्या करो, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो रेडियन में डील करना ज़्यादा ईजी होता है। ओके